यार आज कंपैरिजन कराने वाले हैं वीवो V39 और रियलमी 11 प्रो प्लस, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फोन्स के प्राइस 28,000 से 30,000 रुपए के बजट में हैं। बट यार दोनों ही फोन्स के बेंचमार्क स्कोर और अंतुतु स्कोर अलग अलग है, यानी कि दो मोबाइल का सेम प्राइस है पर परफॉर्मेंस अलग अलग है। और कहीं आप सेम प्राइस में कम परफॉर्मेंस वाला मोबाइल ले लिया, यानी कि पैसा बर्बाद। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दोनों के स्पेसिफिकेशन को जानते हैं और फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है 28,000 से 30,000 रुपए के बजट में। यार सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। यार वीवो V29 स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा 8GB रैम के साथ। वही दोस्तों रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिलेगा 8GB रैम के साथ। यार वीवो V29 स्मार्टफोन में आपको फ्रंट की तरफ 6.78 इंच का एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। वही यार रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का ही डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। गाइस फोटोग्राफी के मामले में वीवो V29 स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिला है, जिसका मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का देखने को मिला है। वही दोस्तों रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन में आपको मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का देखने को मिला है, बाकी दो कैमरे आपको 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का देखने को मिले हैं। दोस्तों फ्रंट के सेल्फी कैमरे को कंपैरिजन कराया जाए तो यार वीवो V29 स्मार्टफोन में आपको 15 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। बैटरी के मामले में आपको रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। वहीं वीवो V29 स्मार्टफोन में आपको 4600mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। सर मैं आपको बता दूं वीवो V29 स्मार्टफोन 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ आने वाला है। वही रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन 256GB के इंटरनल स्टोरेज साथ आने वाला है। सर आइए बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बेंचमार्क स्कोर की। सर वीवो V29 स्मार्टफोन का बेंचमार्क स्कोर कुछ इस प्रकार से आया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वही रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन का गीक बेंचमार्क स्कोर इस प्रकार से आया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वही दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में एंतुतु स्कोर को चेकआउट किया जाए, सर वीवो V29 स्मार्टफोन का एंतुतु स्कोर कुछ इस प्रकार से आया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वही दोस्तों रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन का एंतुतु स्कोर आया है कुछ इस प्रकार का, जो कि दोस्तों वीवो V29 के एंतुतु स्कोर से काफी ज्यादा कम है। सर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन लगा। वहीं यार इस स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट की बात करें तो यार वीवो का V29 स्मार्टफोन 31,000 रुपए का है। वहीं रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन आपको 28,999 का देखने को मिलेगा। गैस इस वीडियो में आपको बता दूं यार परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपका जिस भी स्मार्टफोन का एंतुतु स्कोर बढ़िया रहता है, वही स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया देखने को मिलती है। सर कंपैरिजन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। और यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और यार आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग मेरे को प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।